ग्लास स्किन की बात करें तो हमें सिर्फ कॉरेन स्किन का रूटीन ही याद आता है कि इतनी सारे स्टेप फॉलो करना पड़ेगी, उसके बाद ही हमारी स्किन एकदम ग्लास जैसी चमकेगी, स्मूथ नजर आएगी, ब्राइट नजर आएगी, क्लियर नजर आएगी। आज मैं आपके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट लाई हूँ जिसका यूज करने से आपकी स्किन स्मूथ नजर आएगी, हेल्दी नजर आएगी। हमारी स्किन जितना ज्यादा हेल्दी रहेगी उतना ही ज्यादा ग्लो करेगी। तो अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप अच्छी डाइट फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो बताने वाली हूँ, जो कि मैं अपने फेस पर यूज करती हूँ, जिससे मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो भी करती है और स्मूथ भी नजर आती है। तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है विटामिन ई एंड एलोवेरा के कैप्सूल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ये प्लास्टिक के जार में आते हैं, 60 रुपए के कैप्सूल आते हैं, 1 रुपए का एक कैप्सूल है, तो 60 ही कैप्सूल आते हैं। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है हमारी स्किन को स्मूथ बनाने के लिए, स्किन से फाइन लाइंस को कम करने के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो गाइस, इस कैप्सूल की हेल्प से आप अपनी स्किन को स्मूथ और हेल्दी बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस कैप्सूल के यूज की, इस कैप्सूल को कैसे यूज करना है। अगर सही तरीके से यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस कैप्सूल को आपको नाइट में यूज करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, आपकी स्किन का क्लीन होना जरूरी है। साफ स्किन पर ही इस कैप्सूल को आपको अपने फेस पर यूज करना है। सबसे पहले आपको इस कैप्सूल को लेना है एंड कैप्सूल में से ऑयल को निकाल लेना है एंड अपने फेस पर आपको इस ऑयल से मसाज करना है 5 मिनट तक। फेस पर मसाज करने के बाद आपको 10 मिनट तक इस ऑयल को फेस पर लगे रहने देना है। 10 मिनट बाद फेस को गीले कपड़े से पोंछ लेना है, ज्यादा रगड़ना नहीं है, सिर्फ फेस से ऑयल को निकालना है आपको, आपको फेस को वॉश नहीं करना है। और ये जो कैप्सूल है ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन के लिए है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी स्किन सेंसिटिव है और इस फेशियल ऑयल को जब मैं अपने फेस पर यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन पर बिल्कुल भी, मेरी स्किन पर पिंपल एक्ने नहीं होते हैं, मेरी स्किन और ज़्यादा स्मूथ नज़र आती है। तो एक दिन छोड़कर इस फेशियल ऑयल को आपको अपने फेस पर यूज़ करना है। और गाइस, ये जो ऑयल है नॉन स्टिकी है, जब भी आप अपने फेस पर इसे यूज़ करोगे आपको चिपचिपा फील नहीं होगा और आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ नज़र आएगी। वैसे तो आप इन कैप्सूल को डेली भी अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं, बट एक दिन छोड़कर मैंने इसलिए आपको कहा क्योंकि जब हम एक दिन छोड़कर इस फेशियल ऑयल को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, इस फेशियल ऑयल से मसाज करते हैं, तो हमारी स्किन पर पिंपल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोकल कॉस्मेटिक स्टोर से इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।